फिल्म मेरी 30 नवंबर को रिलीज़ है वर्ल्ड वाइड, और इसमें मैं दो किरदार निभा रही हूँ। टाइटुलर रोल है, तो एक लड़की चन है और दूसरी लड़की तारा है। चन जो है बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही अप मार्केट लड़की है जो हीरोइन बनना चाहती है, और वो मुंबई भाग जाती है हीरोइन बनने। और तारा जो है वो गरीब घर की लड़की है और बहुत ही देसी पंजाबन जखनी टाइप की लड़की है वो। तो दोनों अलग अलग रोल हैं बिल्कुल, और मैंने बहुत मेहनत करी है टू मार्क द डेलिकेट डिफरेंस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, एंड आई एम डेड श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस फिल्म विल बी लाइक बाई ऑडियंस एंड अप्रिशिएटेड बाई एवरीवन। अच्छा, जैसा हमने सुना है कि आप पहले एयर होस्टेस थे, फिर आपने मॉडलिंग की, फिर आपने टीवी किया, स्टेज शोज किया, एंकरिंग किया, अब आप फिल्में कर रही हैं, हिंदू सरकार में थी आप जीनियस में थी, तो इतने सारे वैरायटी आपने कर ली इतने कम समय में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आई बीन वेरी लकी बिकॉज फॉर मोस्ट आई नेवर हैड एनी इंक्लिनेशन कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, कभी सोचा ही नहीं था बचपन से बड़े होने तक कि मॉडलिंग करूँगी, एक्टिंग करूँगी या शोबिज में आऊँगी। आई वॉज नाइसली फ्लाइंग, आई वॉज एन एयर होस्टेस और मेरी सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब थी, सरकारी नौकरी कर रही थी, अपना आराम से आप 60 साल तक जॉब कर सकते हो, उसके बाद आपको पेंशन मिलता है सरकारी नौकरों को। तो सिक्योर जॉब थी, लेकिन मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, और वो भी ऐसा नहीं कि प्लानिंग के साथ। कुछ लोगों ने ऐसे ही फ्लाइट में बोल दिया, अरे आपका तो फेस अच्छा है, आपको तो मॉडलिंग करनी चाहिए, और बस फिर क्या था, फिर मॉडलिंग और फिल्मी कीड़ा काट गया मुझे, और बॉम्बे फ्लाइट्स पे आती थी तो यहाँ लोगों से मिलने लगी, ऑडिशंस देने लगी, और देन दैट पैशन ग्रू ऑन मी, आई बिकेम सो पैशनेट फॉर इट आफ्टर अ पॉइंट कि आई पैक माई बैग्स टू मुंबई, और रेस्ट इज हिस्ट्री। देन आई बैक माई फिल्म हिंदू सरकार, देन आई हैपन टू बी इंजीनियस, और अभी ये पिक्चर चन तारा डबल रोल, आई थिंक आई गॉट अ डबल रोल वेरी अर्ली इन माई करियर, तो बहुत ही उम्मीद, बहुत उम्मीदें हैं इस पिक्चर से। आप बॉलीवुड में मेल एक्ट्रेस और फीमेल एक्ट्रेस किन से ज़्यादा प्रभावित हैं सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो नाम लेना चाहूँगी मधुबाला जी का, और माधुरी दीक्षित जी बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं स्क्रीन पे, और एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, व्हाट एक्सप्रेशंस, व्हाट डांस, मतलब कंप्लीट पैकेज हैं ये दोनों एक्ट्रेसेस और मेरी आइडल्स हैं। एज फॉर एक्टर्स, आई वुड लव टू वर्क विद एनी ऑफ द खान्स, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड फॉर यंगर ब्रीड आई हैव लॉट मेनी, आई वुड लाइक टू वर्क विद यूपी ग्रेवाल एंड दिलजीत जी इन पंजाबी सिनेमा। For Bollywood, it's a huge list of actors. All the young breed, they're so talented. Yes, I'd like to work with a lot of people. Jashn, ye Punjabi film ka koi ek dialogue sunaye hamare audience ko. सबसे पहले तो आप सबसे request करूँगी कि चंद तारा का official trailer जो है वो YouTube पे है, और कल ये गाना release हुआ है, आजा को बैठ जा सुनिया। वो गाना ऑलरेडी इट्स अ रेज अमंग पीपल और सबको बहुत पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर ट्रेलर देखिए और गाना भी देखिए यूट्यूब पे। और डायलॉग की बात करें तो मेरी फिल्म का एक डायलॉग है, वो बोल देती हूँ। मेरे कार च ना 3 जने हैं, एक मेरी दादी माँ, दूजा मेरा भरा रैम्बो, ते तीजी मैं। Very nice. आपको लगता है कि आजकल बॉलीवुड में भी ज्यादातर पंजाबी गाने का तड़का ज्यादा होने लगा है आजकल? बॉलीवुड में तो पंजाबी म्यूजिक इज अ बिग रेज, यू सी व्हाट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग पंजाबी म्यूजिक वीडियोस एंड पंजाबी नंबर्स फ्रॉम फिल्म्स हैव इन बॉलीवुड, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली ओवरवेलमिंग। तो पंजाबी का तो कोई भी म्यूजिक वीडियो मिले या फिल्म में कोई इवन आइटम सॉन्ग हो या पंजाबी पिक्चरों में, तो मैं तो डेफिनेटली आई एम गेम फॉर इट, मुझे पंजाबी म्यूजिक बहुत ही पसंद है लाइक एवरीवन एल्स। थैंक यू वेरी मच। एनी मैसेज फॉर द फॉलोअर्स? फॉर द फॉलोअर्स आई और अपने पेज का हैंडल बता दें। ओके, सो I request you all to keep following me and follow me, whosoever is not there so far on my fan page and on my Insta and Twitter handles. It's @JashnAgnihotri, JASHN
Agnihotri as in AGNIHOTRI. Please do follow me for more updates on my film and much more. One request that आप सब प्लीज थिएटर जाइए, 30th को मेरी फिल्म चांतारा रिलीज है, पिक्चर जरूर देखिए. इट्स अ फुल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, लाफ्टर, रोमांस, ड्रामा, एवरीथिंग. इट्स अ फुल पैकेज, आपको बहुत मजा आएगा. आप सबसे यही गुजारिश है कि 30 को जरूर थिएटर्स जाइए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए. थैंक यू. थैंक यू.